देखिए नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देखिए 1200 आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, और ओमेगा फाइनल दे रखा है 3120 आरपीएम, और टाइम 16 सेकंड दे रखा है, अल्फा निकालना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो सर्कुलर मोशन का, आरपीएम में रहते हुए कभी भी सोल्व नहीं होगा, आरपीएम में रहते हुए कभी भी सोल्व नहीं होगा, उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको, पहले रेडियन पर सेकंड में। इसमें बस यही खास बात थी कि रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हुए बगैर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखो रोटेशन पर मिनट दे रखे हैं, तो पहले पर सेकंड निकालने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक मिनट में अगर 1200 चक्कर लग रहे हैं तो एक सेकंड में कम चक्कर लगेंगे, तो कम लगेंगे तो डिवाइड बाय 60 करोगे, ठीक है ना, ऐसे सोच सकते हो आप। और मल्टीप्लाई बाय 2π, ये मल्टीप्लाई बाय 2π क्यों किया हमने, क्योंकि एक राउंड में 2π की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, जो इतने राउंड्स हैं, तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा आपको। तो ये तो क्या ओमेगा इनिशियल, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू आ गई आपके पास 40π, ये तो आ गई ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल हो जाएगी यहाँ पे 3120 डिवाइड बाय 60 इंटू 2π, ऐसा करोगे आप कितना आएगा बताइए इस केस के अंदर, कितना आएगा यहाँ पे 64π = 16 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 64π/16, कितना आंसर आएगा इसका 4π आंसर आएगा, 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। कोई डाउट है किसी के मन में?